सो यस, हम गाड़ी पे आ चुके हैं। वेल, आज बहुत स्पेशल डे है, शायद कुछ लोगों को नहीं पता लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। आज वर्ल्ड कप में, क्रिकेट के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। और एज यू नो, मेरी फैमिली जो है, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, दे आर एडिक्टेड टू क्रिकेट। सो वेल, आज अपना प्रोग्राम जो है उसी पे रखते हैं। जी बिलजान, यस, वो मेरी ट्रैकोला भी पीछे, वैम्पायर भी है। सो आज का प्रोग्राम मेनली हम लोग क्रिकेट पे ही रखेंगे कि क्या है। बिलाल, क्या कहते हैं आप, क्या होगा? यार देखिए, ये पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है ना, ये जब भी होता है किसी भी टूर्नामेंट में हो, वो एक बड़ा सेंसेशनल किस्म का मैच होता है। उसके अंदर काफी इमोशंस आ जाती हैं, काफी स्टेक्स जो है, काफी स्टेक्स भी आ जाती हैं और काफी इमोशंस इन्वॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक तरफ 1.2 बिलियन लोग हैं जो कि क्रिकेट को फॉलो करते हैं इंडिया में, दूसरी तरफ अराउंड 225 मिलियन लोग हैं जो कि क्रिकेट को फॉलो करते हैं पाकिस्तान में, और सिमिलरली फिर श्रीलंका और बांग्लादेश को भी मिला लें तो वहां की ऑडियंस भी पाकिस्तान इंडिया, तो पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है ना, वो एक आम क्रिकेट मैच नहीं होता जब कभी भी हो, वो एक बड़ा ही हाईली चार्ज्ड किस्म का मैच होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस और यू नो सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं समहाउ। और उसकी वजह से ये है कि ये लोग खेलते बहुत कम है फॉर वट एवर रीजन, हम उनमें नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। तो जब भी कभी ये वर्ल्ड कप के या एशिया कप के मैचेस आते हैं, उसमें पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा, तो अभी मैं आपको ये बता, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया ने अब तक जो T20 जो ये वर्ल्ड कप है उसके अंदर 5 मैचेस इनके हुए हैं, और इन 5 मैचेस में इंडिया ने जो है उसमें से मेरा ख्याल है 6 मैचेस हुए हैं ना महत, 6 में से महत भी, मेरे बेटे भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। और जिस दिन ये मैच होता है हमारे घर में कुछ और नहीं होता, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। टोटल 6 मैचेस हुए हैं वर्ल्ड कप्स में, वर्ल्ड कप ठीक है, और उन वर्ल्ड कप्स में अभी तक जो हुए हैं उसमें 5 दफा इंडिया जीता है और 1 दफा पाकिस्तान जीता है जो कि लास्ट टाइम जीता था। क्या मतलब पूरे जब से वर्ल्ड कप शुरू किए तब से आप बता रहे हैं? जी जी, जब से वर्ल्ड कप्स हुए हैं ये 18, 19, 17 का वर्ल्ड कप, उसमें T20 के वर्ल्ड कप, T20 का मैं कहूँ पता नहीं, तुम पाकिस्तान ओवरऑल भी पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं जीता वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया से, तो द फर्स्ट टाइम दे वन फ्रॉम इंडिया इन एनी वर्ल्ड कप वॉज इन ईयर 2021 सितंबर अक्टूबर में जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, उसमें पहली दफा पाकिस्तान ने मोर विंस ओवरऑल दो, राइट? ओवरऑल विंस जो है वो पाकिस्तान की ज्यादा है, लेकिन वर्ल्ड कप के अंदर जाके पाकिस्तान को समझ कुछ हो जाता है, कंफ्यूज ये लोग, इनको जो है ना स्विच ऑफ हो जाते हैं या क्या हो जाता है, आई डोंट नो। लेकिन अब से जो हम देख रहे हैं पिछले चंद माह से, जो अभी हमारी इनसे जो रिसेंट एंगेजमेंट्स हुई हैं जिसके अंदर एशिया कप के अंदर 2 दफा खेले थे वेरी रिसेंटली लाइक लास्ट मंथ, उसमें इंडिया को पाकिस्तान ने 1 दफा हराया है और 1 दफा पाकिस्तान इंडिया से हारा है। तो इस वक्त बड़ा इवन स्टीवन सा आप कह लें कि माहौल है, और इसमें हम अभी महत जो हमारे एक नए क्रिकेट के बडिंग एनालिस्ट हैं जो कि अपनी जिंदगी का आजकल ज्यादातर टाइम क्रिकेट में अपनी जो टाइम जो था लड़कियों में देने का वो क्रिकेट को दे रहे हैं। हाँ, जो अपनी मतलब के मतलब जो अपनी नौजवानी का टाइम इनको अपनी जो हमने जिस तरह से गुजारा था उस तरह नहीं गुजार रहे, ये अपना ज्यादातर टाइम या तो अपनी पढ़ाई को देते हैं या फिर क्रिकेट को फॉलो करने में देते हैं। ये वो वाहिद बंदे हैं, ये मैं आपके ऑडियंस को बता दूं कि मैंने भी अपनी जिंदगी में कभी टेस्ट मैच जो है ना वो एक एक बॉल बाय बॉल फॉलो करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये वो वाहिद यू नो इंसान हैं या इंडिविजुअल हैं जो कि क्रिकेट के टेस्ट मैच को भी, जहां भी पाकिस्तान खेल रहा होता है उसको बड़ी बड़ी जो है ना वो शौक से फॉलो करते हैं। तो इनके भी हम ओपिनियंस लेंगे और इनकी भी हम इनपुट इसमें शामिल करेंगे। तो और ये जब बाय द वे जब ये आ जाते हैं स्कूल से, स्कूल में भी देखते हैं मसला ये इसको स्कूल में भी पूरी जो इनको थोड़ा बहुत फ्री टाइम मिलता है उसमें ये स्कूल में बजाए अपना अपनी लड़कियों को मतलब ये पूंडी शूटी करें, ये वो टाइम भी अपना क्रिकेट को ही देते हैं। तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो है क्रिकेट के कितने ये क्रेजी हैं, और अभी हम इनसे पूछेंगे, जरा मैं इस ट्रक को जरा निकाल लूं, आगे गाड़ी स्लो है तो उसके बाद हम इनसे
जी महान। क्या कहना चाहेंगे आप इंडिया पाकिस्तान? पापा देखें, सिंस आई एम अ पाकिस्तानी, ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज गोना विन फॉर मी एंड आई थिंक दे आर गोना विन, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारा जो टॉप ऑर्डर मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत बेकार चल रहा है। अच्छा, हमारा जो रिजवान जो है वो अच्छा खेलता है, वो तो ऑफ कोर्स देयर टॉप ऑर्डर, बट वो बहुत स्लो खेलता है। बाबर आजम भी बहुत स्लो खेलता है अनलेस दे एक्सेलरेट ऑफ कोर्स। मैं आप उस पे आऊंगा अभी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि पहले तो आप बताएं कि पाकिस्तान हम दोनों टीम्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, और फिर एंड पे हम इसको कंक्लूड करेंगे कि कल जीतने के चांसेस किस टीम के ज्यादा हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आप पाकिस्तान की टीम की पहले स्ट्रेंथ्स बताएं और वीकनेसेस बताएं। स्ट्रेंथ, द मेन स्ट्रेंथ दे हैव इज द बॉलिंग। दे हैव नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। बताइए कि अभी मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की टीम जो अभी एशिया कप में खेली थी उसमें शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो नहीं थे, उनकी इंजरी हो गई हुई थी, तो उसमें आपका जो मेन स्पीयर हेड कर रहे थे आपके पेस अटैक को उसमें हारिस रऊफ और शाहीन अपना ये नसीम शाह थे, राइट। तो अब शाहीन शाह अफरीदी चूंकि आ गए हैं टीम में अपनी फोल्ड में वापस और अपनी फॉर्म भी उन्होंने दिखाई है, जो पहला वार्म अप मैच खेला था उन्होंने जी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि शाहीन के आने से पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक कितना स्ट्रांग हुआ है? ऑफ कोर्स वी कैन लाइक जज शाहीन्स परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन वन मैच, ओके, बट द थिंग इज कि जिस तरह उसने गुरबाज को बॉलिंग करवाई थी, जिस तरह वो स्विंग हो रही थी और जो टोक क्रशिंग, जो वकार यूनिस करता था एक जमाने में, उस तरह की बॉल मैंने तो नहीं देखी अभी तक जो टो पे जाके लगे और बंदा ही हॉस्पिटल चला जाए। बट उस तरह की बॉल अगर इंडिया के खिलाफ वो कराएगा तो ऑफ कोर्स वो रोहित शर्मा और केएल राहुल वगैरह नहीं फेस कर। अब आप मुझे ये बताएंगे जो हमारा अभी लास्ट ईयर वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो शाहीन ने पहला ओवर कराया था सेंसेशनल, मतलब उसमें उसके अंदर उसने इंडिया की टीम की कमर तोड़ दी थी, जो पहले दो ओपनर्स उन्होंने निकाले थे पहले ओवर में आके, और उसमें शाहीन की स्ट्रेंथ ये है कि वो बॉल आगे पिच करता है और यॉर्कर्स कराता है, उसकी बॉल स्विंग भी होती है और सीम भी होती है। तो अब आप बताइए कि इंडिया की टीम कितना इस वक्त डरी हुई होगी शाहीन के आने से? ऑफ कोर्स इनके जो मैंने प्लेयर अभी देखे वार्म अप मैचेस में, केएल राहुल वगैरह बड़े बड़े लंबे लंबे छक्के मारते हैं, बट अगेंस्ट द टीम्स आर प्लेइंग अगेंस्ट इट आई डोंट थिंक देयर कंपटीशन, क्योंकि आई थिंक देयर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हो रहा था। आप तो महद आपको ये भी एजाज जाता है कि आप इंडिया की टीम के जो एनालिसिस चल रहे होते हैं स्पोर्ट्स तक पे जिसमें उनकी प्रैक्टिसेस दिखा रहे होते हैं आप वो भी फॉलो करते हैं, तो आपको पता है कि अभी रोहित शर्मा और केएल राहुल ने एक यू नो लेफ्ट हैंडेड बॉलर जो मेलबर्न में था उसे बुला के उसे शाहीन को प्रैक्टिस, शाहीन के यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। यानी वो इतने डरे हुए हैं अभी उसके आने से कि वो एक मेलबर्न का लोकल बॉलर बुला के उससे उन्होंने प्रैक्टिस की है, जो कि अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट दैट, उसको करना भी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ जैसे आपने अभी कहा बिल्कुल सही कहा है कि शाहीन यू नो जो है वो डिफरेंस बन सकता है पाकिस्तान और इंडिया की टीम में, जो अभी हमने एशिया कप में खेला था, और शाहीन अगर परफॉर्म करता है कल के मैच में तो दैट कैन बी द डिफरेंस। अच्छा, दूसरा बताएं कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की टीम सिर्फ जो उनका फास्ट बॉलिंग अटैक है क्या वही स्ट्रांग है? स्पिन के बारे में, स्पिन डिपार्टमेंट के बारे में, स्पिन डिपार्टमेंट में आई थिंक इट्स आल्सो प्रीटी स्ट्रांग, वी हैव मोहम्मद नवाज एंड शादाब खान, एंड कुछ ओवर जो है वो इफ्तिखार भी करा लेता है हमारे जो चाचा जो है। अच्छा, तो चाचे अगर एक दो ओवर कराए तो सही है बस, दैट्स इनफ। एंड देन मोहम्मद नवाज इज वो बहुत इकोनॉमिकल बॉलर है, वो ही प्लेज बेस्ड ऑन व्हाट ही सीज, मतलब ही इज अ गुड बॉलर। एंड देन शादाब खान जो इज लेग स्पिन इज It's very good. Our rated as excellent. Of course, कुछ matches में भी वो नहीं अच्छा खेलता, but in most of them he's performed. Yeah. And I think he's. I think lately he has been in a very good form. और उसने बड़ा अच्छा perform किया Asia Cup में भी, और जिस तरह की भी wickets उसको मिली हैं, उसमें उसने New Zealand में भी आके जो अभी series हुई थी जो Pakistan जीता है, उसमें बड़ा अच्छा perform किया। तो ये तो हो गई Pakistan की strengths, right? अब आप जरा पाकिस्तान की वीकनेसेस भी बता दें टीम की, ताकि हम जो टीम इंडिया को जो फॉलो करने वाले इनके सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी पता चल जाए कि पाकिस्तान की टीम की वीकनेसेस क्या है, ताकि वो इंडिया की टीम को बता सके यहाँ से बैठ के जहां पे भी वो दुनिया में हैं, कि देखें भाई ये महद साहब जो एक नए एनालिस्ट आए हैं उन्होंने भी ये वीकनेसेस पकड़ ली है, तो आप प्लीज इंडिया की टीम तक पहुंचा। सबसे जो बड़ा वीकनेस है, सबसे बड़ी वीकनेस जो है ना हमारी वो बैटिंग है, वो बैटिंग नहीं, हमारी मिडिल ऑर्डर है, ठीक है। मिडिल ऑर्डर जो है ना
अब कभी कभी वो मोहम्मद नवाज को ऊपर भेज देते हैं, कभी शादाब खान को ऊपर भेज देते हैं, वो मिडल ऑर्डर नहीं स्टेबल नहीं है, स्टेबल नहीं है। जैसे लास्ट मैच जो पाकिस्तान इंडिया का हुआ था okay. उसमें किसने मैच को जिताया था? नवाज ने जिताया था। अगर नवाज नहीं होता तो हम लोग नहीं जीत पाते। बिल्कुल, हमारा जो इफ्तिखार जो है वो इफ्तिखार जो है शान मसूद, हैदर अली, आसिफ अली एंड इफ्तिखार, राइट? यस। मसला ये है कि शान मसूद इज गुड, मतलब वो इंग्लैंड से आया, ही नॉर्मली प्लेज इन इंग्लैंड, बट जिस तरह द वे ही इज प्लेइंग आई डोंट लाइक द वे। आई थिंक फखर जमान इज अ बेटर प्लेयर इन जनरल, हिज शॉट्स आर बेटर, फखर जमान इज मोर अग्रेसिव, जिस तरह वो छक्के मारता है आई डोंट थिंक शान मसूद कैन मैच हिज परफॉर्मेंस। एंड देन और नीचे जब हम आए तो हमारा हैदर अली आता है पापा। हाँ, हैदर अली जो है इज अ हिटर मैच, जब वो परफॉर्मेंस देता है तो वो सबसे अच्छी देता है, जिस तरह वो छक्के मारता है उससे अच्छा पाकिस्तानी टीम में है, बट आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट पावर हिटर्स अगर वो फॉर्म में हुए। अच्छा महक, मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि आप बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है, और आप ये एनालिसिस जितने भी चल रहे हैं इस वक्त डिफरेंट स्पोर्ट्स चैनल्स पे, सबसे जेन्युइन एनालिसिस कर रहे हैं। नहीं, आपने बड़ा अच्छा एनालिसिस किया। मैं ये कहना चाहूंगा कि मिडिल ऑर्डर में तो प्रॉब्लम है। ओके, हम अपने जो हमारा जो ओपनिंग बैट्समैन है हमारे जो बाबर और रिजवान है, मेरे ख्याल के मुताबिक वो जो हमारा मिडल ऑर्डर नहीं चल रहा उसकी एक मेजर वजह ये है कि वो बॉलें बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं अपफ्रंट। अभी आप जो देखें जो मैचेस दो हुए हैं आज, जिसमें यू नो हमारे टाइम के मुताबिक जो ऑस्ट्रेलिया में जो आज हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी कल हो चुकी है क्योंकि वो हमसे टाइम में आगे हैं, लेकिन जो हमने आज अपने यूएस के टाइम के मुताबिक जो हमने मैचेस देखे थे उनमें जो इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच हुआ है और जो दूसरा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की टीम का मैच हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि जो ओपनर्स हैं उन्होंने बहुत इंटेंट दिखाया है। इंटेंट का मतलब ये है कि भाई आपने अपना जाना है शॉट खेलने के लिए जाना है, अपने बॉलें रोकनी नहीं है, बॉलें जाया नहीं कर रहे, उनकी ऊपर की विकेटें गिर भी जाएं तो वो अपना इंटेंट जो है ना, ये वर्ड एक बड़ा यू नो बड़ा अच्छा वर्ड है ये जो मैंने अभी रिसेंटली सुनना शुरू किया है कि आपके अंदर ना एक यू नीड टू गो फॉर योर शॉट्स। अब होता क्या है कि हमारे जो लड़के हैं स्पेशली पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो अपने एक शेल में चले जाते हैं जब वो, क्योंकि ऊपर वाले लोग बॉल्स बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। अब अगर 20 ओवर्स हैं इसका मतलब है कि आपके पास टोटल 120 बॉलें हैं, ठीक है? अब उन 120 बॉलों में से अगर आपके 100 बॉलें 80 बॉलें रिजवान और बाबर खेल लेते हैं और वो उसमें रन अ बॉल जाते हैं या 100 या 120 के स्ट्राइक रेट से जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पहले 10 ओवरों में रन जो है ना 60 बॉलों पे तकरीबन 70 रन वो बनाते हैं, उससे आपके मिडिल ऑर्डर पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ जाता है। सो इसलिए आपकी टीम जो जब आती है तो वो बेचारे जब आते हैं उनके ऊपर इतना प्रेशर में वो होते हैं कि उनसे पे डिलीवर नहीं होता। आप नहीं समझते कि अगर ये बाबर और रिजवान ऊपर से थोड़ा सा इंटेंट अगर शो करें स्पेशली इंडिया वाले मैच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है बाय द वे। इसमें जो टीम शुरू ये तो फिलहाल मैं सुन के थक गई हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसमें जो यू देखें प्रेशर शुरू में अगर प्रेशर आप एब्जॉर्ब करके अगर आप अपना इंटेंट दिखा के पहले 10 ओवरों में आप 100 रन बना लेते हैं, दैट मींस कि अगले जो आपके 10 ओवर हैं उसमें आप 100-125 रन बना सकते हैं। 100 इज बाकी टीम्स बना रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये अचीवेबल नहीं है ये टारगेट। तो अगर आप इस तरह से अपनी टीम को, ये कोचेस जो हैं जिनको इतनी तनख्वाहें लेते हैं और सैलरीज लेते हैं, अब तो खैर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया का एक कंसल्टेंट मैथ्यू हेडन भी रख लिया, तो अगर ये इंटेंट दिखाएं तो मेरा ख्याल है आपकी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है। और महल आपने बिल्कुल सही कहा है बेटा कि ये जो मिडिल ऑर्डर है ना ये पाकिस्तान की टीम की कमजोरी है। देखें टॉप ऑर्डर को देखा जाए तो हमारा जो रिजवान जो है नो डाउट इज द बेस्ट T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, और बाबर आजम जो है वो भी बेस्ट प्लेयर है। अभी ODI में देखें टेस्ट में, मतलब टेस्ट में तो इज नॉट ऑफ कोर्स नॉट रेटेड बट फॉर मी अच्छा है बहुत, ठीक है वो हर मैच में सेंचुरी कर ही लेता है, बट द थिंग इज के वो ऑफ कोर्स इज कवर ड्राइव्स आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड ओके, बट द थिंग इज जैसे शोएब अख्तर ने भी एक दफा कहा था वो क्लासी बनने की कोशिश करता है और वो यू कांट डू दैट इन अ T20 मैच। T20 में आप क्लासी बन के नहीं, आप नहीं कर सकते, आपको बॉल को उठाना है, क्यूट नहीं बनना, आपने बनना आपने आपने इंटेंट दिखाना है, अपना अग्रेसिव बनना है आपको। Exactly. Right from ball one, you got to be aggressive. बिल्कुल। और इंडिया के साथ खेलने का जो तरीका मैं समझता हूँ ना, अगर आपने बिल्ली मारनी है इंडिया की टीम की तो आपको शुरू में जो है ना इंटेंट दिखाएं, शुरू के जो 6 ओवर्स होते हैं ना जो आपके पावर प्ले है उसमें अगर ये रिजवान और बाबर अच्छा स्कोर कर दें, लेट्स से 60 रन बना जाए किसी तरह, मैं समझता हूँ कि वो और विकेट ना लूज हो तो दिस इज व्हाट आई वुड कॉल इंटेंट। 60 से 65 रन। अब इनका क्या होता है इन द पास्ट फ्यू गेम्स जो मैंने देखा है 6 ओवरों में 40 रन, 6 ओवरों में 45 रन,
भाई इस तरह आप नहीं जीत नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। और पाकिस्तान की टीम का हिस्टोरिकली इन द लास्ट फ्यू गेम्स मैंने ये देखा है कि अगर इनको टारगेट सेट करना पड़ जाए, ये इनकी बहुत बड़ी वीकनेस है। दे आर नॉट, दे मे बी गुड चेजर्स, एटलीस्ट दैट इज व्हाट दे हैव प्रूवन इन द लास्ट फ्यू गेम्स। सेट टारगेटिंग, दे कांट सेट टारगेट, सेट करना इज नॉट देयर स्ट्रेंथ, राइट। तो उसमें इनको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। और मेरा ख्याल है कि जो मैथ्यू हेडन, हेडन जो इन्होंने कंसल्टेंट रखा है ऑस्ट्रेलिया में, जो कि बहुत बड़ा प्लेयर था ऑस्ट्रेलिया का अपने जमाने का, उसके होने से शायद वो इनको थोड़ा सा इनके अंदर जो खौफ एक शेल में चले जाते हैं। उसने लास्ट वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान का वो कंसल्टेंट था, उसको हायर किया था इन्होंने, उसने इनका काफी सारे जो इनके खौफ थे, फियर्स थे, उनको उसने, क्योंकि ये मेंटल गेम है, इसमें आपका जो है ना फिजिकली तो आप खेल रहे हैं, लेकिन अगर आप मेंटली बॉक डाउन हो जाएंगे तो आप फिर वो चीज नहीं कर सकते। देखिए एग्जांपल ऑफ दिस वाज जब इंग्लैंड का मैच हुआ था ना, ऑफकोर्स इंग्लैंड वॉन दैट सीरीज, बट अभी जब इंग्लैंड और पाकिस्तान की सीरीज हुई है जी, तो आई थिंक सिक्स्थ मैच था राइट, द सेकंड लास्ट मैच जिसमें इंग्लैंड जीत गया था, उसमें बाबर आजम और रिजवान आउट हो गए थे पहले कुछ ओवरों में, परेशान मसूद आया, उसने फिर दे लॉस्ट देयर इंटेंट लाइक यू सेड, राइट, उन्होंने अपने बाजार लगाया ना, they lost their intent and they played run a ball. Shaan Masood ko apni half century karni thi and it was so disappointing. Us waqt mere itne test the, next day was I think a Sunday. Itne test the, maine apne subah ke 4 ghante waste kiye, itni gaaliyan dene. Aur test kaise kiye? Like, bahut acche kiye, bahut acche kiye. Mujhe test ki zyada pareshani hai beta. Mama mere grade dekh le, aapko pata chalega. Wo to mujhe pata hai, but phir bhi it's very disappointing. Bahut gaaliyan दिल चाह रहा था कि इनको बहुत पर नहीं दे सकते, ऑफ कोर्स, बट स्टिल लाइक। अच्छा, अब हमने पाकिस्तान की टीम की महत्व काफी बात कर ली, अब आपके सब्सक्राइबर्स को और व्यूअर्स को ये पता चल गया होगा कि पाकिस्तान की टीम की स्ट्रेंथ्स क्या हैं और वीकनेसेस क्या हैं हमारे मुताबिक। ये हमारा पर्सपेक्टिव है, हम गलत भी हो सकते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट वी आर, यू नो, दिस इज व्हाट वी फील एंड थिंक। अच्छा, अब आप जरा आ जाए इंडिया की टीम पे, हम जरा फोकस करते हैं इंडिया की टीम की स्ट्रेंथ्स बताएं। इट्स देयर बैटिंग, ओके, मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, इट्स परफेक्ट, ओके, बट देयर वीकनेस इज देयर बॉलिंग। ओके, सो जरा बैटिंग के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि कहाँ पे बैटिंग इनकी स्ट्रॉन्ग है और इनके कौन से प्लेयर्स हैं जिनके वो आपने जिस पे ये डिपेंड कर रहे हैं। देखिए रोहित शर्मा जो मुझे भी लग रहा है वो हिट और मिस से जब चलता है तो बहुत, उसको हिटमैन कहते हैं ना, हिटमैन, तो वो बस मारता रहता है, छक्के पे छक्के मारता है। और केएल राहुल जो है वो बहुत अग्रेसिव है, उसने भी बहुत छक्के मारे हैं अभी प्रैक्टिस मैच में। और हमारा जो विराट, आप कुछ कहना चाहेंगे, आप भी यार ये बताओ कि अनुक्षा का मियां खेल रहा है जो मेरा फेवरेट है। विराट कोहली जो है वो फॉर्म में नहीं था, बट अभी वो फॉर्म में आया है और वो भी बहुत डेंजरस है अभी। बट आई लव हिम, आई लाइक हिम। नहीं चला फिर देखिए आपके पास क्या है, क्या ओपनर्स हैं आपके, केएल राहुल और रोहित शर्मा, ओके, फिर आगे आप स्काई को बेचते हैं, कोहली को पहले कोहली आता है, उसके बाद पहले कोहली आ गया, अगर वो चल गया तो वो भी चल गया, फिर स्काई आता है, फिर इसी में ये मैच जीत जाते हैं, इतने आते हैं तो ये मैच जीत जाते हैं। फिर दिनेश कार्तिक आता है, फिर पता नहीं डीके, फिर डीके आता है, पर कभी कभी दीपक हुडा खेलते हैं, दीपक हुडा बोलते हैं, अच्छा, कभी दीपक हुडा आता है, कभी वो आता है, ऋषभ पंत आता है, और फिर इनकी बॉलिंग शुरू हो जाती है। पर जितने इनके हाउ परफेक्ट देयर बैट्समैन आर, इनका बैटिंग ऑर्डर कभी नहीं खत्म होता, ये चलता ही जाता है, दुनिया के सबसे बड़े बड़े स्टार आते ही रहते हैं, पहले कोहली खत्म होया, फिर स्काई आया, फिर स्काई इस तरह की शॉट्स मारता है, वो नहीं मैच कर सकता कोई। यार मेरा फेवरेट बैट्समैन जो है ना इंडिया की टीम में वो है स्काई सूर्य कुमार यादव, वो उसको मैं कहूंगा वो 360 डिग्री प्लेयर है, उससे आप मतलब जब वो बैट कर रहा होता है ऐसे मलाई की तरह उसकी शॉट्स जाती हैं और ऐसा लगता है कि यार गेम इतनी आसान हो गई है उस बंदे की, सिमुलेशन लग रही होती है, इट्स अ परफेक्ट शॉट एवरी सिंगल, मतलब वो बंदा, एक तो इन्होंने उसके साथ ज्यादती बहुत की बेचारे के साथ, 32 साल की उम्र में वो अब टीम में आया है, 31-32 साल की उम्र, उससे पहले भी वो बहुत अच्छा खेल रहा था लेकिन इन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया। शायद इंडिया में ऑप्शन इतने ज्यादा होते हैं, आपके पास इतनी बड़ी आबादी में से निकल के आना, आई फील फॉर दैट गाय। और वो अपना सारा गुस्सा जो है ना वो अपनी गेम पे इस वक्त निकालता है कि भाई देखो मुझे आपने इतने साल बाहर रखा, आपने मुझे लाया नहीं टाइम पे, अब मैं अपने कैरियर के जो है ना पीक पे हूँ और मैंने, उसने आके तरथली मचा दी है इस वक्त। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की टीम में बैटिंग के पर्सपेक्टिव से हमारे पास स्काई का कोई नेमुल बदल कोई नहीं है, हमारे पास स्काई का कोई मैचअप नहीं है, कोई मैचअप नहीं। तो और ये तो हम सब मेरा ख्याल है तीनों इस बात बारे में एग्री करते हैं, विराट कोहली को भी वो पीछे छोड़ गए, ऑफ कोर्स ही इज द बेस्ट बैट्समैन इन द होल, ठीक है। तो आपकी जो इंडिया की जो टीम की स्ट्रेंथ है वो उनकी बैटिंग है और उसी के ऊपर वो रिलाय करेंगे कल। और अगर तो इंडिया की टीम ने कल अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर खेलते हैं, खेलते हुए इन्होंने एक अच्छा टारगेट पोज कर दिया, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो अभी मैंने एनालिसिस देखे हैं, क्रिकेट की टीम्स जो वार्म अप में या जो वैसे भी उनकी ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर मुख्तलिफ शहरों में जो उन्होंने एनालिसिस किए हैं, उसमें यह है भाईजान कि अब
जो टीम पहले बैटिंग कर रही है टॉस, वो टॉस इंपॉर्टेंट तो है, जो टीम पहले बैटिंग करके अपना दे रही है चेस करने के लिए, वो द टीम बैटिंग सेकंड उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, बिकॉज लाइट्स के अंदर जो डे नाइट मैचेस होंगे लाइट्स के अंदर परफॉर्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और बॉल सीम भी हो रहा है, स्विंग भी हो रहा है, तो और फिर पेस जो थी आज हमने देखा इंडिया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच, इंग्लैंड और अफगानिस्तान के मैच में जिस तरह मार्क वुड ने 150 के ऊपर बॉलिंग कराई, अनमास आपका हाथ थक तो नहीं गया? नहीं नहीं, बड़ा मुश्किल था बैट्समैन के लिए उसको जज करना, उसकी पेस को, और मेरा ख्याल है हमारे जो बॉलर्स हैं हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी अगर वो और नसीम शाह अगर वो थोड़ा सा अपना गेम स्टेप अप करते हैं तो इंडिया की टीम के लिए मुश्किल पड़ सकती है। एनी हाउ ये तो होगी उनकी स्ट्रेंथ, ओके, और हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि आपने उसको काउंटर किस तरह करना है, अब आप उनकी वीकनेसेस पे आए। उनकी वीकनेसेस जो है ना, उनकी बस एक ही वीकनेस है और उनकी बॉलिंग है, फील्डिंग उनकी सही है, उससे तो बेहतर है, उनके कैच नहीं छूटते होंगे ना। अच्छे अम्मा आप क्या कर रही हैं यार, मेरी बेटी टायर्ड हो गई है। आप इंडिया की सपोर्टर हैं, कुछ नहीं होता, एनीवेज इट्स फाइन, इट्स गुड। किसी एक तो यार मेरा मसला यही है कि मैं इमरान खान को सपोर्ट ना करूं तो मुझे कहते हैं नवाज शरीफ पीपी की सपोर्टर है। मैं भाई मैं पॉलिटिक्स और क्रिकेट और इनमें नहीं जाना चाहता। हर आर्गुमेंट का काउंटर आर्गुमेंट होना जरूरी है। एनीवेज पापा देयर वीकनेस इज देयर बॉलिंग, उनकी जो बॉलिंग है मेन बॉलिंग कौन है इनका, अभी मोहम्मद शमी को करेंगे ना उसको डालेंगे ना। अच्छा मोहम्मद शमी इनकी टीम में आया है तो उससे चार विकेटें ले ली हैं, चार बॉल। सबसे बड़ा जो इनको धचका लगा इंडिया की टीम को मेरे ख्याल से वो था बुमराह का ना आना, बुमराह इनका मेन बैकबोन थी, तो उसमें जब आप इंडिया की टीम के एनालिसिस सुनते हैं और इनके जो भी चैनल्स वगैरह पे स्पोर्ट्स तक वगैरह पे जाके मैंने सुना है उसमें देवर रिलाइंग हेविली ऑन ये जो आपका बुमराह है। अब वो बुमराह बेचारा जो है वो अनफिट हो गया, उसकी जगह पे पहले पिछले तीन हफ्ते तक तो पता ही नहीं था, इवन लास्ट मोमेंट तक पता नहीं था किसको भेज रहे हैं, काफी इन्होंने डिले किया डिसीजन, फाइनली शामी को भेजा। अब शामी मैं समझता हूँ इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि एक्सपीरियंस है, उसने ऑस्ट्रेलिया में खेला हुआ है, डिलीवर किया हुआ है। इन्होंने लास्ट पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच दुबई में हुआ था शारजा में लास्ट वर्ल्ड कप में, उसमें शामी की पिटाई हुई थी, उसके बेसिस पे उन्होंने उसको पूरे साल के लिए उस बेचारे को निकाल दिया टीम में से। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि उसने अपनी, वो भी अनफिट था शामी भी, लेकिन जिस तरह आके उसने वार्म अप मैच में एक ओवर डाला है, यॉर्कर जिस तरह किए हैं ना उसने, मैं क्या समझता हूँ कि इस वक्त वो अपनी फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में यू नो है, और अब वो मुझे ये नहीं कहना चाहिए फॉर्म ऑफ हिज लाइफ, क्योंकि फॉर्म अभी हमने देखी नहीं है, हमने सिर्फ उस ओवर को एक ओवर देखा, लेकिन अगर उसने अपनी जो उसकी जो पोटेंशियल है उस पे वो 100% ना भी, अगर उसने 80% भी कल परफॉर्म कर दिया, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए इट विल बी कर्टन्स, बिकॉज पाकिस्तान की टीम जो है बैटिंग में हमारे काफी सारे हमारी जो हमने जिस तरह भी डिस्कस किया वीकनेसेस हैं, तो अगर शामी की बॉल सीम और स्विंग हुई और उसने कल जो है वो आके शुरू की विकेटें निकाल दी पाकिस्तान के लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है तो मेरे लिहाज से तो फिर आप भी हमें कमेंट्स में बताइएगा जीतेगा कौन, पाकिस्तान जीतेगा कि इंडिया नहीं दिया, मैं जरा मां से भी पूछ लेते हैं, छोटे क्रिकेटर जो हैं जो छोटे हमारे जो शाय हैं शाय वाले जो भाई हैं स्काई के बहुत बड़े फैन हैं ये, जरा शाय साहब बताइएगा, शाय भाई ये जरा चेहरा तो दिखाएं, एक ही तो औलाद बताइए जरा यार, एक ही तो औलाद मेरी शक्ल पे गई है और वही जो है कैमरा शाय भाई जरा इंडिया और पाकिस्तान, पाकिस्तान विल गेट डिस्ट्रॉयड अगर स्काई परफॉर्म करेगा, ओके अगर वो नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तान जीत जाएगा, सिंपल। नहीं तो इसने तो पूरी टीम बस स्काई पे ही है, ये टीम मैच चली स्काई पे रहा, स्काई है कौन ये तो मैंने बता, सूर्य कुमार यादव इंडिया की टीम जो है ना भाई, फिर मेरे को आया के वो जो है ना अभी कल पता चलेगा कि कल क्या करती है। मैं इस वक्त ये सोच रहा हूँ कि हमारी जो टीम है पाकिस्तान की, इस वक्त जब भी पाकिस्तान की टीम खेलती है तो हमें बहुत ज्यादा बटरफ्लाईज और हमें हार्ट अटैक दे देते हैं यार, अभी लास्ट कोई भी मैच हमारी पाकिस्तान की टीम इजीली नहीं जीतती, हमेशा लास्ट मोमेंट पे ला के वो बकरी के दूध में मैंगनिया डाल के ये लोग, मेरे इतने गंदे एक्सपीरियंसेस हुए ना, मैं लास्ट ईयर हिस्ट्री क्लास में बैठा हुआ था, वर्ल्ड कप हो रहा था, ठीक है, सिक्स पीरियड मेरी हिस्ट्री क्लास थी, टीचर को पता था कि एक काम कर रहा है उसको, मैं कोई काम नहीं कर रहा था, मैं मैच देख रहा था, मैंने फोन छुपाया हुआ था अपने पेंसिल केस के पीछे, वो मैच चल रहा था, पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान चल रहा था, ठीक है, मैच भी देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, वो चल रहा है और पाकिस्तान हार रहा है, फिर आसिफ अली आया है, उसने छक्के मारे, हार्ट अटैक हो रहा था, मेरा पूरा दिन खराब हो गया था उस वक्त, जिस तरह आसिफ अली आया उसने छक्के मारे और
फिर बस नहीं, वो तो बात, आप वर्ल्ड कप में मैचेस कैसे देखते हैं, कौन सा आपके पास ऐप होती है, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं जो आप। ESPN प्लस लेते हैं हम लोग, ओके, उसको वो आप फिर अपने मोबाइल पे उसको ऑन करते हैं। अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में ESPN अगर ना हो तो स्लिंग टीवी पे चलते हैं, क्योंकि वो वर्ल्ड कप के अलावा कोई नहीं दिखाता। ये आप बताने नॉर्थ अमेरिकन व्यूअर्स के लिए कि जिन्होंने स्कूल में, बच्चों ने स्कूल में आपको आपकी तरह जाके अगर अपने हाई स्कूल में होते हुए अगर उन्होंने मैचेस देखने, लड़कियां नहीं देखनी और मैच देखने हैं तो मम्मा यहाँ गलत बातें कर रही है, लड़कियां एक हफ्ते के लिए, यार लड़की गलत कैसे हो गई, मैं गलत हूँ? अच्छा चलो तुम सही हो, आप सही है। अच्छा मैं एक और चीज जो हमने नहीं डिस्कस की क्विकली लास्ट थिंग में, कल के जो टीम है आपने, हमने स्ट्रेंथ्स बता दी, वीकनेसेस बता दी कि जी बॉलिंग है, एक एक टीम की बॉलिंग स्ट्रांग है, दूसरी टीम की बैटिंग स्ट्रांग है। मैं ये समझता हूँ कि कल की जो मैच का डिसीजन है ना, उसमें फील्डिंग का भी एक बड़ा बेहतर बहुत बहुत अमल दखल होगा, बिकॉज हमारी पाकिस्तान की टीम जो है ना वो फील्डिंग में अगर उनका दिन हो तो वो अच्छी फील्डिंग करते हैं, और अगर उनका दिन ना हो तो वो ऐसी पुअर फील्डिंग करेंगे, आपको क्लब क्रिकेट से भी टीम से भी बुरी फील्डिंग करके दिखाएंगे। और इंडिया की टीम की फील्डिंग में निस्बतन पाकिस्तानी टीम से बेहतर ऊपर रेट करूंगा, तो लेकिन लाइट्स के अंदर जो टीम फील्ड कर रही होगी, जो टीम पहले बैट करती है ऑब्वियसली वो फील्ड कर रही होगी, तो उसमें कैचेस को जो है ना एंटिसिपेट करना और लाइट फ्लड लाइट्स के अंदर आके उनको जज करके यू नो कैचेस पकड़ना, फील्डिंग करना, ग्राउंड्स का बहुत बड़ा होना, ये पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम दोनों के लिए काफी चैलेंजिंग होगा, बिकॉज ये आदी है दोनों टीम्स छोटे ग्राउंड्स में खेलने के, दुबई के ग्राउंड में, दुबई के, इंडिया के भी ग्राउंड इतने बड़े नहीं है। ये है 83 मीटर्स की बाउंड्रीज, कई अगर आप सामने की तरफ देखें या इवन स्क्वायर ऑफ द विकेट, कई इनके स्टेडियम है जिनमें 83 मीटर्स की है, जो कि बड़ी अनयूजुअल बाउंड्रीज है, तो वहां पे आपको बाउंड्री क्लियर करने के लिए सिर्फ पावर नहीं, टेक्निक भी आपको चाहिए, और आपको ये तो आपके बैट्समैन के लिए हो गया, और जो फील्डर्स हैं उनकी एंटिसिपेशन के जो 3 रन बन रहे हैं उनको 2 लेने दें, और जहां पे वो यू नो 2 रन ले लें उसको 1 में कन्वर्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो जो टीम कल कैचेस पकड़ेगी, बिकॉज कैचेस विन मैचेस, बिल्कुल, जो जिस तरह आज आपने देखा कि जिस तरह से कैचेस न्यूजीलैंड की टीम ठीक है ना, तो वो मतलब सिंपली वो मैच का पांसा ही पलट देते हैं आपके जो फील्डर्स हैं। सो इनको अपना, और वो टीम वही अच्छी फील्डिंग करती है जो कि चैलेंज हुई हुई हो, जो कि एक अपना गोल सामने लेकर आए और वो कहे कि भाई बस डू और डाई है। तो पाकिस्तान के और इंडिया का मैच हिस्टोरिकली इसी तरह होता है, इसको टाकरा इसलिए कहा जाता है कि ये मैच जो है वो इसको कम से कम नहीं तो 1.5-1.6 बिलियन लोग पूरी दुनिया में, बिगेस्ट राइवल इन स्पोर्ट्स, ठीक है। मैं कल अपने नेबर को भी बता रहा था डस्टी को कि भाई वो आप लोग गोरे जो है यूएस वाले वो इस चीज को सोच भी नहीं सकते कि जो आप लोग सॉकर को देखते हो या अमेरिकन फुटबॉल की जो व्यूअरशिप है वो हमारे जो है क्रिकेट का जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसको दूर दूर तक भी करीब से बच्चा पूछा था बस स्कूल में, he was not देसी like us, he was not पाकिस्तानी इंडियन anything, he was in my AP seminar class, my research class है, okay, or he's in my group, he was asking me, hey Mahaz, what is the India Pakistan match that's happening? I'm like, it's like a Asia Cup होया था, अच्छा, the match was finished but कुछ दिनों बाद उसके बाद है, ठीक है, तो उसने मुझे what happened during the match, maine kaha they played a match, it's the biggest rivalry in sports throughout the world, usne kaha oh I was, it was everywhere on TikTok, everywhere on Instagram, oh my so, god, like he was impressed, I'm like yeah it's the second biggest sport in the world, that's why, okay guys, to mera khayal hai hum isko idhar hi end karenge, kal jo team dekhte hain kaun si team, kyunki dono team ke players pe pressure bahut zyada hoga, pressure zyada ho to pishi nikal jati hai ya reh jati hai, नहीं पिछली रोक के रखनी पड़ती है। अच्छा अब होगा ये कि वैसे अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपको उस टाइम पे जब प्रेशर, वैसे जब प्रेशर होता है ना तो आपकी पिछली वैसे ही पीछे चली जाती है, सो इसलिए कुछ लोगों की प्रेशर बॉडी में निकल गया तो बेसिकली कल जो टीम प्रेशर को बर्दाश्त करेगी, पिछली को नहीं प्रेशर को अच्छा बर्दाश्त करेगी, सस्टेन करेगी, वो टीम जो है ना कल जीतेगी। तो मेरी सारी यू नो बीइंग अ पाकिस्तानी सारी दुआएं सारी सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ है, लेकिन एट द सेम टाइम जो है डिसरिगार्ड इंडिया, यू नो वी कैन नॉट रूल आउट इंडिया, इंडिया की टीम इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो हमारी शुभकामनाएं इंडिया की टीम के साथ भी हैं, लेकिन हम पाकिस्तान की टीम के साथ हैं प्राइमरीली, और हम अपनी टीम को एंड तक सपोर्ट करेंगे, लास्ट बॉल जब तक बॉल नहीं हो जाती वी विल कीप सपोर्टिंग आवर टीम, मैच चेंज भी लास्ट बॉल पे ही होता है वैसे बाबा,
अगर देखना है तो बस लास्ट दो ओवर देख लें, बस बेस्ट द मैच। ये देखिए मेरे बेटे प्यारे कितने लग रहे हैं, माँ सदके जाए। फिजिक्स का काम इतना है, फिजिक्स का टेस्ट मिला हुआ है, पता नहीं कौन से। छोड़ दे माँ, टेस्ट बस छोड़ दे। तुम्हारे बर्थडे का डिनर करने जा रहे हैं, तनु परेशानी नहीं है। अच्छा माँ, सुबह यूएस के अंदर आखिरी चीज, सुबह 4 बजे मैच शुरू होना है। ओके ओके ठीक है, तो आप की क्या प्लानिंग होगी उस मैच के लिए? क्या क्या आप क्या समझते हैं कि आज रात को हम सो पाएंगे? हमने किस तरह उठना है, हमने क्या करना है, कुछ थोड़ा सा बताएं कि आप क्या, मतलब क्या प्लानिंग है आपकी आज रात? क्या सोओगे कानी? तुम लोग ना सोओगे ना सोने, ना छोड़ा है ना सोने देना है। अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद मेरे 2 टेस्ट हैं, एपी यूएस हिस्ट्री और एपी साइकोलॉजी का ट्यूसडे को। एक तो तुमने एपी इतनी क्लासेस ली। एक सेकंड मुझे एपी साइकोलॉजी की आउटलाइन करनी है यूनिट की, तो मैं शायद उठा ही रहूंगा। और मुझे फिजिक्स का होमवर्क करना है, हल्का सा तैयारी करनी है टेस्टों के लिए, तो आई विल प्रोबब्ली बी अवेक द होल नाइट। बट ओके, एंड टुमारो आई विल बी अवेक द होल डे टू, सो आई डोंट नीड नो। टुमारो हाउ कैन यू बी अवेक द होल डे? स्टडी अगेन, बिकॉज़ आई कांट गेट बैड मार्क्स ऑन द टेस्ट। अच्छा, कल 2 मैच कौन कौन से? एक तो पाकिस्तान इंडिया के, हमें यही नहीं पता कि दूसरा मैच किसका है, हमने सोचा ही नहीं कि दूसरा मैच आउट कर दिए सारे मैच। तो एनीवेज, यू नो, मैं महत थोड़ी देर के लिए आराम करूंगा, आपने मुझे सुबह टाइम पे जगाना है, और फिर हम उसको टीवी पे स्ट्रीम करेंगे, लाइव स्ट्रीम, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि क्या कल होता है। श्रीलंका और आयरलैंड इसको इधर ही खत्म करें, और इंशाल्लाह देखते हैं कल। तमाम पाकिस्तानी व्यूअर्स के लिए यही है मैसेज कि अपनी टीम को सपोर्ट करें। अब जो मिडल ऑर्डर में हो गया सो हो गया, अब ये यही टीम है हमारी, इसी को सपोर्ट करें प्लीज। तू ही मेरे जीता, तू ही मेरे दाता। और एक चीज मैं बता दूं आपको आखिरी बात बिफोर वी लीव, कि यार ये कोई मतलब जिंदगी और मौत का, जिंदगी और मौत का ही होता है वैसे मैच इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन ये कोई जिंदगी मौत का मसला ना बनाए। अगर पाकिस्तान की टीम हार भी गई और पाकिस्तान की टीम जीत जाए, तो प्लीज इंडियन मेरे फॉलोअर्स से आप लोग अपनी टीवियां ना तोड़े। हाँ, बीवियों के सर तोड़ दें, टीवियां ना। पाकिस्तानी बात कर रही है। हाँ, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस जो है वो अपने जो ना वो फिर जो टीम जीतती है उसके जो है वो जश्न मनाते हैं, और जो टीम हारती है वो अपने घर में पागल हो जाते हैं और टीवी तोड़ते हैं और सब कुछ करते हैं। तो प्लीज टीवी ना तोड़े, और इंडिया वालों के लिए यही है कि टीवी जो है ना चला देते हैं यार। नहीं नहीं नहीं, ये गलत काम ना करें, ये काम ना करें, और खुश रहें, इंजॉय करें। और ये बात याद रखें कि अगर जो भी टीम जीतती है बहुत अच्छी बात है, वो एक यू नो उसको पुश मिलेगा इस वर्ल्ड कप में, लेकिन जो टीम हारती है वो भी बाहर नहीं हो जाएगी, अभी उनके और मैचेस पड़े हैं। yes, तुम तो जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार। हाँ, तो हम पाकिस्तान की टीम को सिर्फ एक चीज कहेंगे, और ये मैं आपको ये हम गा के उनको कह देते हैं, तुम जीतो या हारो सुनो हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार। बंद करें, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जीत जाएगा, कोई मसला।